try again. But when I saw you, I felt something I never felt. Come closer, I'll give you all my love. सो रही वड़ी जपेटर वेलकम बैक इन अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। सो यार आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे गाइस आप एकदम सेम जॉनी गेमिंग कॉलोनियल एंड गाइस यहाँ पे अपने फ्लेमार के जैसा गाइस एकदम परफेक्ट प्रकार का कलर ग्रेडियंट कर सकते हो, जो कि यार एकदम सेम पीसी के जैसा होने वाला है। एंड वो भी गाइस हम थ्रू काइनमास्टर ये सब चीजें करने वाला है। सो वीडियो के एंड तक जो उससे बने रहना। एंड जब आपको ये वीडियो पसंद आती हो सो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल पर नए हो एंड ऐसे वीडियो इन फ्यूचर देखना चाहते हो सो प्लीज यार चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। एंड उसके बाद जो प्यारी सी नोटिफिकेशन बेल आपको देखने को मिल रही है उसको यार ओल्ड पे सेट कर लेना, जिससे कि यार आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। एंड हो सके तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। सो इट्स मी राजा, यू वाचिंग टेक्निकल राजा यूट्यूब चैनल। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन विद आवर टुडेस ट्यूटोरियल। सो गाइस यहां पे आपको इन्वेस्ट क्या करना है, आपको सिंपली अपनी काइन मास्टर को यहां पे ओपन कर लेना है। एंड उसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली यहां पे जो प्लस वाला आइकन देखने को मिल रहा है उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करके यहां पे 16:9 का प्रोजेक्ट आपको यहां पे ओपन करना है। एंड उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जाके जो भी आपके यहां पे क्लिप है उसको आपको यहां पे इंपोर्ट करना है, ओके। एंड उसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली यहां पे आप जैसे ही आपकी क्लिप यहां पे इंपोर्ट हो जाती है आपको सिंपली आपकी क्लिप के ऊपर यहां पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद यहां पे सीजर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, उसके बाद में आपको यहां पे ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा आपको सिंपली उसके ऊपर यहां पे क्लिक करना है, ओके। एंड उसके बाद यहां पे जो आपको इज इक्वल टू का सिंबल देखने को मिल रहा है आपको सिंपली उसके ऊपर यहां पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद कुछ इस प्रकार से आपकी क्लिप को यहां पे जूम करना है, जिसकी जो ब्लैक बॉर्डर्स होते हैं आपके वीडियो क्लिप के ऊपर वो सिंपली यहां से रिमूव हो जाते हैं, ओके। एंड यार जरा आपका फोन यहां पे 16:9 का रेशियो का है तो यार आप इस पोर्शन को यहां पे स्किप कर सकते हो, पर आपके जरा वीडियो में ऐसे ब्लैक बार्स आता है जैसे मेरे यहां पे वीडियो में आता है, तो आपको यार ये चीज करने की बहुत ही ज्यादा सख्त जरूरत है, ओके। एंड उसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली यहां पे सिंपली एडजस्टमेंट में चले जाना है। एंड उसके बाद जो सैचुरेशन होता है उसको आपको सिंपली यहां पे फुल कर देना, ओके। एंड उसके बाद जो आपकी यहाँ पे वीडियो क्लिप होती है उसको आपको सिंपली यहाँ पे एडिट करना स्टार्ट करना, ओके। एकदम नॉर्मल प्रकार से आपको यहाँ पे एडिट करना, ओके। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ओके, उसी प्रकार से आपको सिंपली यहाँ पे नॉर्मल प्रकार से आपके मॉन्टेजेस को यहाँ पे एडिट करना है। एंड जैसे ही आपके यहाँ पे पूरे मॉन्टेजेस एडिट हो जाते हैं, ओके, उसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे ऊपर की साइड जो यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको सिंपली उसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है, ओके। एंड उसके बाद ये जो रेजोल्यूशन होता है वो एकदम हाई कर देना है, एंड जो फ्रेम रेट भी होता है वो एकदम हाई कर देना है। एंड ये जो होता है यहाँ पे MBPS, ओके, इसको भी आपको सिंपली हाई कर देना है। उसके बाद सिंपली आपको एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करके आपको सिंपली आपकी फाइल को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना है, ओके। एंड उसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली आपकी काइन मास्टर को यहाँ पे रीओपन कर लेना है। एंड उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे प्लस वाला आइकन के ऊपर क्लिक करके 16:9 का प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। एंड उसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली आपकी एक्सपोर्ट में चले जाना है। एंड उसके बाद जो क्लिप आपने यहाँ से एक्सपोर्ट की थी आपके काइन मास्टर से उसको आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आपको कलर फिल्टर में चले जाना है, ओके। एंड यहाँ पे आपको फिफ्थ नंबर पे मोनोक्रोम बोल के एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपको सिंपली उसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है, ओके। एंड उसमें गाइस यहाँ पे MO2 जो आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है जो फिल्टर है, ओके, आपको सिंपली उसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है, ओके। एंड उसके बाद कुछ इस प्रकार से रियलिस्टिक यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट देगा, ओके। एंड इसके ऊपर आप अलग प्रकार के ब्लैक एंड व्हाइट लगा सकते हो जो आपको पसंद आता है, पर यार ये जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर है ये गाइस यार बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक दिखता है एंड बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, ओके। एंड उसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे लेयर के ऊपर फिर से क्लिक करना है। एंड उसके बाद मीडिया में चले जाना है, ओके। एंड उसके बाद एक्सपोर्ट में जाके फिर से आपको आपके उस वाले फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है, ओके। एंड उसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे जो सीजर के बाजू में जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको सिंपली उसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे इसके ये वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करके इसको यहाँ पे फुल स्क्रीन कर लेना, ओके। एंड उसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे क्रोमा की के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद इसको सिंपली यहाँ से एनेबल कर लेना है। एंड उसके बाद जो कलर होता है वो आपको यहाँ पे स्काई कलर कर लेना है, ओके। एंड उसके बाद राइट करके आपको सिंपली इसमें थोड़ी सी छेड़छानी करनी है। एंड जो व्हाइट पोर्शन आपको यहाँ पे दिखेगा वो गाइस यार व्हाइट पोर्शन आपको बस विजिबल रहेगा एंड बाकी का जो पोर्शन होगा यहाँ पे सिंपली ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है, ओके। एंड उसके बाद आपको जरा झूठ लग रहा है तो देख लो यहाँ पे अपना जो शर्ट है वो यहाँ पे रेड है एंड बाकी की जो चीज़ें हैं वो पूरे यहाँ पे ब्लैक हो जाता है। एंड उसके बाद अपना जो कलर ग्रेडियंट है वो गाइस यार एकदम परफेक्ट तरीके से यहाँ पे बन जाता है। पर यार आपको जरा इसके ऊपर जरा शेक इफेक्ट एंड उसी के साथ साथ स्लो मोशन लगाना चाहते हो तो उसकी मैंने यहाँ पे सेपरेट वीडियो ना के रखी है तो उसको आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सो होप को तो ये वीडियो आपको पसंद आएगा। सो वीडियो पसंद आते तो एक लाइक जरूर से कर देना एंड चैनल पे नए हो सो प्लीज यार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को यहाँ से ऑल पे सेट कर लेना। सो हियर टेक्निकल राजा साइनिंग ऑफ टुडे, सी नेक्स्ट डे, टिल देन बाय बाय।